Hi students, how are you? I hope each one among you are doing good and well. Welcome to Fundu Tutor. This is Rehmat Latif and today we are going to learn our new topic, that is binomial nomenclature. So without wasting any time, let's get started. जैसा कि मैंने पहले ही कहा, binomial nomenclature simply means जिसमें क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें, हम लोगों के नाम में भी दो टर्म्स होती है। एक तो पहला हमारा अपना, अपनी टर्म, ठीक है, अपना नाम। इसके बाद जो हम अपने फादर जी का नाम ऐड करते हैं, ठीक है। मेरी बात करते हैं, मेरा नाम रहमत लतीफ है, ठीक है। रहमत मेरा नाम है, लतीफ अहमद भट्ट मेरे पापा का नाम है, तो मैं मिला के लिखती हूँ रहमत लतीफ। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर दो टर्म्स है, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम्स होते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है, इसमें पहला होता है जीनस एंड सेकेंड वन इज स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और यही दो चीजें मिला के बनाती है हमारा एक पर्टिकुलर नाम एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। एक टर्म होती है इसमें जीनस और सेकेंड टर्म इज स्पीशीज, ठीक है, जो एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का नाम। अब देखिए, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में था। अब देखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है ना। और इसका जो ये मैंजिफेरा है, ये जेनेरिक नेम है बेसिकली, ये नेम ऑफ जीनस है। और जो इंडिका है, इट इज बेसिकली नेम ऑफ स्पीशीज, ठीक है। ये स्पीशीज का है और मैंजिफेरा इज नेम ऑफ जीनस, ठीक है, जेनेरिक नेम है। पहला हमेशा याद रखना, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिनका साइंटिफिक नेम दिया गया है मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, उसमें एक तो होगी पहली टर्म जेनेरिक नेम जीनस और सेकेंड वन इज स्पीशीज, ठीक है, या स्पेसिफिक एपिथेट कह लो, नेम ऑफ स्पीशीज। अब देखिए, कुछ रूल्स है नॉमेनक्लेचर के, ठीक है। देखिए, हम लोग वो नॉमेनक्लेचर के रूल्स देख लेते हैं एक बारी। होता क्या है बेसिकली, बायोलॉजिकल फर्स्ट रूल इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। मतलब क्या बनता है इसका, मतलब ये है, जो भी हमारा बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है, जो भी हमने साइंटिफिक नेम्स दिए हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो यूजुअली होते हैं जनरली किसमें, लेटिन के अंदर, ठीक है। अगर वो लेटन में नहीं होंगे ना, तो ये डिराइव करते हैं, लाइक वो लेटन से ही निकालते हैं नाम। अगर वो लेटन का नहीं होगा, तो वो लेटनाइज्ड किया जाता है, ठीक है। इटैलिक्स में लिखा जाता है, मतलब फॉन्ट है इटैलिक्स का, ठीक है। वैसे उस अगर हम लोग कंप्यूटराइज्ड लिख रहे हैं नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वो हम लोग इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है ना, ये सिग्निफाई करने के लिए कि ये जो है, ये बेसिकली साइंटिफिक नेम है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। एक तो लेटन में होता है वो, या फिर वो लेटिनाइज्ड किया जाता है, और वो लिखा होता है किसमें, बेसिकली इटैलिक्स में। अब देखिए, फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, पहला वर्ड मैंने बोला, पहली टर्म जो बायोलॉजिकल नेम में होगी वो रिप्रेजेंट करेगी जीनस, और सेकेंड कंपोनेंट जो है वो करेगा स्पेसिफिक एपिथेट। अब जो पहला बायोलॉजिकल नेम है, वो तो मैंने आपको पहले ही कहा, टर्म जो है पहली बायोलॉजिकल नेम की, दैट इज जीनस एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। अब देखिए, यहाँ पे हियर वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ टाइगर, पेंथेरा टिग्रिस है इसका साइंटिफिक नेम। पेंथेरा जो है यहाँ पे, ये जीनस बनेगा हमारा, और टिग्रिस जो है हमारा, ये हमारा स्पीशीज है, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट कह लो। एंड सेकेंड वन इज आर सोलेनम ट्यूबेरोसम, मतलब पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। सोलेनम जो है हमारा, ये जेनेरिक नेम है, और ट्यूबेरोसम जो है, ये हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है। आई होप ये दो रूल्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब देखिए, और कुछ रूल्स ऑफ राइटिंग दीज नेम्स, हमने नाम लिखने कैसे है, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स को हम लोग लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो देख लेते हैं। जो नेम ऑफ जीनस, जो पहली टर्म आती है बायोलॉजिकल नेम है, वो जीनस है, ये तो हमने पढ़ लिया। वो हम लोग पहला जो लेटर है ना, वो हम लोग हमेशा कैपिटलाइज्ड करेंगे, ठीक है। अगर हमने अभी कहा मैंगो का साइंटिफिक नेम इज मैंजिफेरा इंडिका, इसके जीनस को ले लो मैंजिफेरा को, तो इसका हमने पहला लेटर लिखना है कैपिटल में, ठीक है, कैपिटलाइज करना है इसे, ये हमने कैपिटलाइज कर लिया, ये इसका रूल है, रूल्स ऑफ राइटिंग के, ठीक है, पहला रूल है इसका। स्पीशीज नेम बिगिंस विद स्मॉल लेटर, स्पीशीज का जो नेम होता है, मतलब स्पीशीज टर्म का जो ये होता है पहला लेटर, दैट इज स्मॉल। मैंजिफेरा के बाद आएगा इंडिका, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पहला जो लेटर है हम लोग वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है ना। जीनस का हम लोग लिखेंगे पहला लेटर कैपिटलाइज्ड, और इसका लिखेंगे स्पीशीज का स्मॉल लेटर्स में, ठीक है।
साइंटिफिक नेम्स आर ऑलवेज इटैलिसाइज्ड. अब देखिए साइंटिफिक नेम जो भी है ना वो हमने इटैलिसाइज्ड करना है, ठीक है. अगर हम लोग कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, लैपटॉप पे लिख रहे हैं, मतलब प्रिंट कर रहे हैं नाम, वो हमने इटैलिसाइज्ड फॉन्ट में प्रिंट कराना है. और जब हैंड रिटन होगा, जब हम लोग हाथ से लिखेंगे, तो जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम जो है हमने नेसेसरली अंडरलाइन करना है, या फिर मैंने कह लिया प्रिंट अगर करना है तो इटैलिक्स में करेंगे, ताकि इससे इसका इंडिकेट हो जाए कौन सा ओरिजिन, लेटिन ओरिजिन, ठीक है. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेंजिफेरा इंडिका, फिर से दोबारा से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, पेंथेरा टिग्रेस, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है. यहाँ पे मैं मेंजिफेरा इंडिका ले रही हूँ. एक रूल हमने पढ़ा, कैपिटलाइज करना है पहला लेटर, स्पीशीज में पहला लेटर होगा स्मॉल. मेंजिफेरा और इंडिका को लिखते समय हमने अंडरलाइन करना है सेपरेटली, ठीक है. या अगर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं लैपटॉप से या किसी से भी हमने प्रिंट करना है आखिर पे, तो हमने वो इटैलिसाइज्ड करना है, ठीक है, इटैलिक्स में लिखना है वो. आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा. अब देखिए, अब हमने देखा नाम कैसे लिखते हैं, आखिर में हम लोग क्या करते हैं, ऑथर का जो नाम होता है वो, जो ऑथर ने मतलब इसको डिस्क्राइब किया होगा ऑर्गेनिज्म को, किसी भी चीज को, जिस भी बायोलॉजिस्ट ने, जिस भी साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया होगा, तो वो ऑथर का नाम हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, लास्ट पे, ठीक है. जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे मेंजिफेरा इंडिका लिन, मतलब कारोलस लिनेस ने इन्हें डिस्कवर किया था, सॉरी ये कैपिटल कैपिटल में आएगा, ठीक है. और ये जो लिन है ना, लिनेस, ये हमने पूरा नहीं लिखना है, हमने इसकी एब्रिवेटेड फॉर्म लिखनी है, हमने एब्रिवेशन में लिखना है ये, ठीक है. यहाँ पे आप देखिए मेंजिफेरा इंडिका लिन हमने लिख लिया, ये जो है ये अब पूरा हमारा जो साइंटिफिक नेम बन के तैयार हो गया, ठीक है, जिसमें जीनस भी आ गया, स्पीशीज भी आ गई, और आखिर पे ऑथर का नाम भी आ गया जिसने वो डिस्क्राइब की है, किया है वो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी कह लो. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग से सेशंस के लिए यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल. फर्दर अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं individually, if you want to learn from me, you can book your demo class with me, that too free. Yes, you heard me correct, वो भी आपका free होगा, book, you can book demo class, वो free होगा, ठीक है. तो अगर आपको फिर demo पसंद आता है हमारा, फिर हम लोग continue कर पाएंगे आगे, लेकिन demo हमारा बिल्कुल फ्री होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, वो हमारा डेमो फ्री है. अब अगर कोई भी स्टूडेंट मुझसे पर्सनली इंडिविजुअली पढ़ना चाहता है, ही और शी कैन बुक डेमो सेशन, ठीक है ना. तो वो हम लोग डेमो ऐसे ही कराते हैं कंडक्ट विदाउट, मतलब फ्री ऑफ एनी कॉस्ट, हम लोग कोई भी पैसा नहीं लेते हैं उसका. फर्दर यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज. अब मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग से सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.